अच्छे क्वालिटी और बेहद कम बजट में अब कुरकुरे, चिप्स, नमकीन और पास्ता का मशीन लगाएं और महीने का लाखों कमाएं। संपर्क करें रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन, नोएडा, सेक्टर 10, A35। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अरे यार, एक एक कदम पीछे हो जाओ, सबको मिल जाएगा। हो जाएगा यार, क्या ये सब कर रहे हो तुम? कोई डिसिप्लिन नहीं है। पीछे हो जाओ, कैमरा क्यों घुसा रहे हो इधर? सर, राहुल गांधी से मुलाकात हुई नीतीश कुमार की? देखिए, नीतीश जी से घर तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हमने गोपालगंज में भी उनको हराया और कुर्नी में भी उनको हराया और मोकामा की सीट में भी 64,000 वोट भारतीय जनता पार्टी लाने में सफलता प्राप्त की। जो है, जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो देश में क्या मुकाबला करेंगे? और ये तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास है। CBI ED की जो कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। अभी तो कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, जय नीतीश कुमार, HD कुमार स्वामी की पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों में समझौता करा दें, वहाँ तो विपक्ष की एकता नहीं हो पा रही है। तो ये जितने भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए जो विपक्ष के नेता, वो एक हो रहे हैं। तो ईमानदार का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए लाख कोशिश कर लें, अगर ये एक हो भी जाए तो भी कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा कि बिहार में तो 7 दलों का गठबंधन है और 3 बाई इलेक्शन का क्या परिणाम हुआ, और यही परिणाम 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर होने वाला है। जीतन राम मांझी की भी मुलाकात हो रही है, मोदी जी आप कहा ईमानदार का मुकाबला नहीं कर सकते, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार भी बेईमान है? नहीं नहीं, भ्रष्टाचारियों को एकजुट कर रहे हैं ना भाई। आप सवाल ये है कि आप संरक्षण किनको दे रहे हैं? जो लालू परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में केवल घेरे हुए नहीं, जिसको 4 मामलों में सजा हो गई, जिस परिवार के एक एक आदमी को ED CBI बुला रहा है, जिस व्यक्ति डिप्टी CM ने 32 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक बन गए, यही ना CBI और ED पूछ रहा है कि आप 150 करोड़ के मकान के मालिक कैसे बन गए? तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त आकंठ डूबे लोग हैं उनको एकजुट करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये देश तय करेगा कि ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए या भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की जो एकता है, ये जनता की एकता नहीं है। और दलों के नेता अगर हाथ उठाकर हाथ खड़ा कर लें, हाथ मिला लें, उसे जनता एक नहीं होती है, भले दल एक हो जाए। तो इसलिए लाख नीतीश कुमार प्रयास कर लें लेकिन वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर रहे। जीतन राम मांझी की आज मुलाकात हो रही है अमित शाह जी से, क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ? तो मैंने देखा अखबार के अंदर कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न देने के लिए मिलने जा रहे हैं। एक औपचारिक मुलाकात है, कोई भी व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिल सकता है, इससे ज्यादा इसके पीछे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी पे जिस तरीके से आपने मानहानि का मुकदमा किया था, 25 तारीख को संसद में हाजिर होने का भी बात सामने आया है, क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई? कल मेरे वकील ने मेरे बिहाफ में जो पिटीशन फाइल किया था कि राहुल गांधी वायनाड में थे लेकिन यहाँ पर बयान दर्ज कराने नहीं आए, सेक्शन 313 में उनको अपना बयान दर्ज कराना था, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि उनकी उन पर गैर जमानती वारंट इशू किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए। वो अगर हाजिर नहीं होते हैं, उनके वकील ने आश्वस्त किया है कि 25 तारीख को राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर होंगे, तो इंतज़ार कीजिए। अगर 25 को कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो हमारा पिटीशन तो है, उन पर गैर जमानती वारंट निकाला जाए और उनको गिरफ्तार कर कोर्ट के अंदर हाजिर किया जाए। आज जो सर नौकरियां दी गई हैं, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 71,000-75,000 देने से क्या होगा? मैंने तो अपने भाषण में कहा ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हमने ये सरकारी नौकरी है और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, 43 करोड़ लोगों को तो केवल मुद्रा लोन के तहत ऋण दिया जा चुका है, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित हुए हैं। इस साल भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपया एक साल में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है,
सड़क पुल पुलिया ब्रिज पोर्ट एयरपोर्ट, क्या उससे रोजगार पैदा नहीं होंगे? तो कभी हमने ये नहीं कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार सरकारी नौकरी देंगे, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन दिसंबर 2023 तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें तक 4 रोजगार मेला हो चुका, करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी मिल चुकी है। बाकी बचे हुए 8 महीने के अंदर और लगभग 7-8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हमने सरकारी नौकरी का वायदा पूरा किया और जो रोजगार के जो माध्यम सृजित किए हैं, जिसका विस्तार से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, आखिर अगर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो क्या वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या 10 लाख करोड़ खर्च होगा? क्या पीएम आवास योजना में अगर मकान बनता है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता? क्या सड़क बनती है, पुल पुलिया बनता है? ये हर एक चीज़ रोजगार पैदा करता है, और इसलिए हम लोगों ने 2 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने का काम किया। थैंक यू।